कुल से रहमत तमाम चीजों को घेरे हुए है, वसी है मेरी रहमत, इतनी वसी है कि कायनात का जर्रा जर्रा उसके छांव में, उसके छाए में है, उसको घेरे लिया है। इसी तरह एक अपने हबीब हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करते हुए फरमाया और कहा, नब्बे इबादी अन्नी अनल गफूर रहीम, मेरे हबीब मेरे बंदों को ऐलान कर दो, बाखबर कर दो, होशियार कर दो कि मैं ही गुनाहों का बख्शने वाला और रहम करने वाला, इन्नी अनल गफूर रहीम, मैं ही हूँ जो तुम्हें माफ कर सकता हूँ और मैं ही हूँ जो तुम्हारे रहमतों से माला माल कर सकता हूँ, बखबर कर दो मेरे बंदों को, मतलब रहमत मेरे बंदो अपने नफ्सों के ऊपर जिन्होंने जुल्म कर दिया है, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो। दूसरी अल्लाह के फरमा कुल लिमन मा फिस समावाति वल अर्ज कुल लिल्लाहि कतबा अला नफ्सिही अर-रहमा सूरह अनआम आयत नंबर 12। ऐ मेरे हबीब कायनात वालों से, ये दुनिया वाले में जितने भी इंसान हैं उनसे पूछो, उनसे कहो कि ये बताओ कि जमीन और आसमान में जो कुछ भी है इसका मालिक कौन है, कौन है इसका मालिक, जर्रे जर्रे का, जिसके ऊपर तुम चलते हो, जिसमें छाए लेते हो, जिसे खाते हो, जिसे हवाओं की शक्ल में पेट के अंदर दाखिल करते हो, फिर निकालते हो, सब मानते हो, या आसमान की जमीन ये सब उनका मालिक कौन है। इवन उनसे भी सवाल है जिनसे मुतालबा था कि उसी मालिक की इबादत और पूजा करो, लेकिन उन्होंने उसकी पूजा करना शुरू कर दी जिसको उस खालिक ने पैदा करना है। अल्लाह फरमाता है जिनको तुम पूजते हो, हाँ? बोलो उनका मालिक कौन, कह लो कि इन सब का मालिक वो अल्लाह है, वो अल्लाह कौन, अल्लाह अल्लाह कुल लिल्लाह उस अल्लाह वही अल्लाह है जो सबका मालिक है, जिसने अपने ऊपर रहमत को वाजिब करार कर दिया सबके ऊपर रहम करने वाला, करने वाला है जिनको, अगर अल्लाह रहम न करता तो कोई उसका काफिर, कोई उसका मुनकर, कोई उसको गाली देने वाला एक खून बन पा सकता। बोलो ये अल्लाह की रहमत है, ये अल्लाह की रहमत की उस आंख है जिसे गाली न देने वाले उसकी पैदा की, उसको नहीं माबूद, उसको नहीं पूजा, उसकी इबादत करते हैं, उसकी पूजा करते हैं जो उसी की पूजा कर रहा है। ये जमीन, ये आसमान, ये चांद, ये सितारे, ये आग और ये पानी, ये हवा, ये पत्थर, ये पहाड़, किसकी पूजा कर रहे हैं, इसकी इबादत कर रहे हैं, अपने खालिक की, अपने मालिक की। ये अहमक, बेवकूफ, पागल, बुद्धू बजाय अपने मालिक की पूजा करने के बजाय गुलामों की पूजा करता है, तो जो गुलामों की पूजा करते हैं उनका दिमाग भी गुलामाना होता है, उनकी जहनियत भी गुलामाना होती है, उनकी सोच भी जलील और नीच होती है, वो कभी बुलंदी को सोच सकते। इकबाल ने कहा था कि मोमिन है, मोमिन की यह पहचान, इकबाल ने कहा था काफिर की यह पहचान कि वह आफाक में खून है, आफाक काफी खोया हुआ, जिनसे ज्यादा ताकत और बल देखा उनके सामने हाथ जोड़ने की पूजा करें, ये ताकतों के पुजारी, ये गुलाम है ताकतों, मोमिन और मुसलमान किसी की ताकत से मरूब नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि नकुवत अल्लाह के नहीं, अल्लाह ही सबसे बड़ा ताकत है, कि ये जकल्ली किस खेत का पुल, ये तो अपनी आंखों का मालिक भी नहीं है, इसके पास कितनी भी ताकत नहीं है कि इसकी जुबान को पकड़ 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 चलती है, इस पर कंट्रोल कर ले, अपने सांसों को कंट्रोल कर ले, अगर बिगड़ जाएंगे उनका जुबान, इसके पास उनकी ताकत नहीं। मोमिन काफिर की यह पहचान कि वह आफाक में गुम है, और मोमिन की यह पहचान कि आफाक उसमें गुम, गुम उसमें है आफाक, दुनिया उसके बारे में सोच रही है, ये मट्टी का बना हुआ है। तो जो इस्लाम और मुसलमानों को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें होश के नाखून लेना चाहिए कि तुम मिट जाओगे। शद्दाद, फिरौन, नमरूद, हामान,
बड़े बड़े ताकतवर मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे। आधा तेरे न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। अल्लाह का चर्चा अल्लाह का जिक्र कभी मिट सकता? और जो जिक्र करने वाले हैं, जिस तरह जिक्र नहीं मिट सकता उसी तरह जिक्र करने वाले भी मिट सकते। गिरफ्तारियां कर लो, जेल की सलाखों के पीछे डाल दो, इत्तेहाम झूठ फरेब मत करो, कानून बनाओ, निजाम बनाओ। रब का निजाम सबसे बड़ा है। لا تقتلوا اولادكم خشية املاق، उस रब ने फरमाया अपने बच्चों को रोजियों के डर से, खर्च के डर से न कतल करो। तू कहता है बच्चे दो ही अच्छे, तेरी अम्मा और तेरे अब्बा अगर ये सोचते जलील तो तू वजूद में आता? आज तेरे माँ बाप ने नहीं सोचा, सात सात बच्चे, आठ आठ बच्चे, दस दस बच्चे तेरे बाप दादाओं ने कर, तब तू वजूद में आया। आज अल्लाह की नेमतें बाकी पांच बेवरत महरूम अल्लाह की नेमतों से। तू कहता है बच्चे दो ही अच्छे, बच्चे मनसूबा बंदी करा लो, तू करा, तू क्या कराएगा तेरे पास तो है ही नहीं। कंट्रोल करो आबादियों पर, कंट्रोल करो आबादियों पर। क्यों? इसलिए कि खुराक कम है, पानी कम है, हवा, इसके बाद क्या है? ये सब शैतानियत क्या है? ये शैतान है, ये शैतान के पुजारी हैं, ये शैतान के बंदे हैं, ये शैतान के गुलाम हैं। इनके दिमागों में शैतान बैठा हुआ, शैतान जैसा इनको घुमाता है, इनके पास अकल ही नहीं है ना। बुरा ही करता है नाम मुशरिक जो होता है, मुशरिक अल्लाह के साथ शिर्क करने वाला, चाहे कलमा पढ़ने वाला हो चाहे बेकलमा हो, ये दोनों खबीस हैं। इनकी अल्लाह ने कहा ये जानवर बंसी जानवरों से नहीं बनता है, जानवरों से नहीं। बोलो एक अलग मौजूद है बात आई हालात हाजरा से मुताबिक। सारे परेशान हैं बेचारे, मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ सिस्टम कानून बनाया जा रहा है, निजाम पार्लियामेंटों में पास किए जा रहे हैं, मुसलमानों पर सबके ऊपर कंट्रोल करो, ये करो। धर्म परिवर्तन हो रहा है, धर्म परिवर्तन हो रहा है। ये इस्लाम का पावर है, किसका पावर? ये इस्लाम का पावर है, वो जादू जो सर चढ़ते हो। आज और रब की बड़ी मेहरबानियां होती हैं, रहमतें ये भी रब की हैं यार। बातें सुनो अल्लाह के रहमत की, कोई जरूरी की जो मौजूद में तैयार करके रहना सारा बे न समझो, मैं आपको बताती हूँ तो कोई बात नहीं। मकसद क्या है खुद मेरी मतलब? मकसद ये है कि रब के दिल जलाल की अजमत और उसकी रहमत और उसकी बख्शी और उसकी मोहब्बत आपके दिलों में बैठे। अपने मालिक से मोहब्बत करो, घर से पहचानो, उसकी मार्फत हासिल हो, आदमी दाई बन सको। कोई सवाल आए व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, या कहीं मीडिया सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या टीवी या कहीं भी, तो जवाब दे सको, झट के जवाब दे सको। क्यों? आप हैं इस कौम के मसीहा, इस दुनिया के मसीहा, इस दुनिया के रहबर और रहनुमा मुसलमान। वो मुसलमान नहीं जितेंद्रिया जो मुल्कों को पूछते हैं, मुझे बेटा दे दिया, ये खबी है, अहमक है, बेवकूफ है ये। इस जानवर भी जानवर को आप सानी भूसा देते हो, नाच के अंदर सब कुछ खिलाते हो, आपसे कभी मांगता है, कभी आपके सर झुकाता है? इसीलिए अल्लाह ने जानवरों से भी बदतर, ये जानवरों से भी बदतर है। मुशरिक जो होता है चाहे वो खड़ा करके पूजे या सुला के पूजे, नहीं समझ, जिंदे को पूजे या मुर्दे को पूजे, मजार बनाए, दरगाह बनाए या दुर्गा बनाए, नहीं समझने वाला। इसी के लिए वो अल्लाह का पुजारी नहीं हो सकता, वो अल्लाह का दुश्मन, वो अल्लाह का दुश्मन। तो कौन सा धर्म है? हदें लगाई जा रही हैं, मुसलमानों के ऊपर पाबंदियां लगाई जा रही हैं, मुसलमान नहीं होना। इसे बोलो तेरी नाक भी मुसलमान है, तेरे कान भी मुसलमान है, तेरी जुबान भी मुसलमान है, तेरे नाक भी मुसलमान है, तेरे हाथ भी मुसलमान है, तेरे पैर भी मुसलमान है, क्योंकि मुसलमान कहते जिसको
अपने खालिक का अपने मालिक को एक जाने उसी की इबादत करे, उसके साथ किसी को शरीक, और फिर उसी की ताबेदारी करे, हलाल और हराम शरीयत की पाबंदी करे, उसको मुसलमान कहते हैं। अल्लाह को मान लेने से आदमी मुसलमान बोलो होता, बोलो जोर से बोलो, अल्लाह को मान लेने से आदमी मुसलमान होता है? नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। जरूरत अगर अल्लाह को मानना ही मुसलमानियत होती तो पैगंबर इस्लाम को नबी बना के अल्लाह ने सारे मक्का के लोग अल्लाह को मानते थे, और आज भी, आज भी सारी दुनिया अल्लाह को मानती है, आज भी सारी दुनिया अल्लाह को बोलो कोई टेंशन नहीं। एक दो दहरिए नास्तिक उनकी बात छोड़ो, जो 1% के 0.00% के अल्लाह को नहीं मानती, लेकिन 99% लोग अल्लाह को क्या सारे मुसलमान, मुसलमान हर एक को कहते, हर कलमा पढ़ने वाला मुसलमान बोलो, बल्कि मुसलमान किसको कहते हैं? मुसलमान कहते हैं जो अल्लाह को अकेला जाने और अल्लाह की नाजिल की हुई शरीयत के ऊपर अमल करे, ताबेदारी करे, और सिर्फ अल्लाह की इबादत करे, अल्लाह के साथ किसी को साझीदार पार्टनर शरीक ना बनाए, उसको क्या कहते हैं बोलो? तो तुम मुसलमान पर पाबंदी अपनी आंखों पे लगा ले, अपने कानों पे लगा ले, ये तेरे बाप ने नहीं बनाए, तेरी अम्मा ने नहीं बनाए, भाई ये सब किसने बनाए हैं? कई फैसा वही रब है, पालनहार है, मालिक है, जो माओ के पेटों में तुम्हारी शक्ल सूरतों को बनाता है, जो पानी के एक बूंद को माँ के पेट में जब वो दाखिल होता है तो उसे खून बनाता है, फिर उस खून से गोश्त बनाता है, लोथड़ा बनाता है, फिर उस लोथड़े को गोश्त, फिर उस गोश्त में हड्डियों को बनाता है, फिर उससे शक्ल सूरतों को बनाता है, वो कौन है? तू भी बना करके देख ले, उसने सारी कायनात को बनाया है, उसने तुमको बनाया, तुम्हारे बालों को, तुम्हारे रोम को, तुम्हारी उंगलियों, नाखूनों, हाथ पैर, जमीन आसमान, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीजों का पैदा करने वाला कौन है? तू, तूने या तेरे माबूदों ने क्या बनाया है वो बता दे, कोई एक मिसाल दे दी कि इन्होंने ये बनाया। और चलो ईंट पत्थर की मैं बात नहीं कर लिया, मैं पेड़ पौधे आग की बात की पूरा नहीं कर लिया, मैं कर रहा हूं बात हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ले, इन्होंने क्या पैदा किया? जिनको तुम पूछते हो, कुछ लोग हैं जिनका नाम लोग बड़ी तकलीफ हो, इसलिए उनका नाम लेने की जरूरत नहीं, समझी बात, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम ले लो, हमारे नबी हैं, हमारे नबी हैं, हमारे रसूल हैं, हम अगर उनके ऊपर ईमान ना लाए तो हम तो मुसलमान ही ना कहला रहे, है कि नहीं? एक पादरी था, पादरी बहुत बदमाश होते हैं, इनकी मुस्कुराहटों में लगाओ उसके पीछे तसरानिए, तुमको तुम अपने बच्चों को पढ़ने स्कूल में पढ़ाएंगे, काफिर बना के छोड़ते हो, बुरे अखलाक, उनके अखलाक आप लोग कुछ दिनों पहले देखे, बहुत बड़ा हुआ एक इस्लामी मुल्क में पकड़ा गया है, मतलब पादरी बहुत बदमाश लोग, पादरी ने मुसलमान के किसी शेख से आदमी से कहा, हमारा मजहब देखो कितना कुशादा, कितना रहम करम वाला है, कि तुम्हारा दीन भी कहता है कि उनकी बेटियों से शादी कर लो, उनके खाने खाओ कोई हर्ज नहीं है, तो हम तो अपनी बेटियां तुम्हें दे देते हैं, तुम शादी कर लेते हो, हमारे खाने तुम खाते हो, हम खाना भी तुम्हें अपनी अपना खिलाते हैं, लेकिन तुम कितने छोटे हुए दिल के हो कि तुम लोग अपनी बेटियां हमसे नहीं जाते, हराम समझते हो कोई मुसलमान लड़की किसी क्रिश्चियन लड़के से विवाह करे या शादी करे, तुम लोग बड़े तासु वाले छोटे दिल के, और मौलाना हंस पड़े कहीं कुछ बात, अगर पागल है क्या? समझा कर गुफ्तगू, अल्लाह की बात को, रसूल की बात को समझा कर जरा दिमाग रख, तो तेरी बेटी हमारे लिए, तेरी बहन मुसलमानों के लिए हलाल इसलिए है
कि वो तेरे नबी ईसा अलैहिस्सलाम को भी अपना नबी मानते हैं, अपना रसूल मानते हैं। नहीं समझ में आता, हर मुसलमान ईसा अलैहिस्सलाम को अपना रसूल मानता है, अपना नबी मानता है। उसका अकीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम मारे नहीं गए, बल्कि वो आसमान पर उठा लिए गए हैं। कयामत करीब आएगी, वो जिंदा है, वो वापस आएंगे, नबी रहमत की उम्मत में रहेंगे और यहाँ पर हुकूमत भी करेंगे, और फिर उसके बाद उनकी शादी होगी, फिर उसके बाद अल्लाह को प्यारे होंगे। या कयामत की निशानियों में से हर मुसलमान ईमान लाता है। इसलिए तेरी बहन तेरी बेटी मुसलमान के लिए हलाल है। तू भी मेरे नबी का कलमा पढ़ रहे, मैं भी अपनी बेटी बहन तुझे ब्याह कर निकल देता जा। अल्लाह, समझ में बात आई? तो बड़ा कौन छोटा कौन, ताकत तो तेरे पास है। जिस नबी ने तुझे ये कहा कि मेरे बाद एक नबी आने वाला है, उसके ऊपर सब लोगों ने ईसाइयों ने मान लाना, तुमने इनकार कर दिया, तो झूठा तो तू हुआ, ताकत करने वाला तो तू हुआ, तंजिल तो तू हुआ, मुसलमान कहा तंजिल हुआ। मुसलमान के दरवाजे आज भी खुले हुए हैं, कहते हम मक्का नहीं जाते, मदीना नहीं जाते, हम पूरे दुनिया में घुटाला घूमना, पूरी दुनिया में बगैर नहीं देखेगा। नहीं समझ में है, अगर इंसान की औलाद मर्द की औलाद तो जगह मिलने के भूलता, अमरीका में यूरोप में बरतानिया में चला गया है। हिम्मत कोई अपने बगैर वीजे के दाखिल होने देगा? बोलो, मक्का मदीने का भी वीजा है, जकलियात की हरकतें ना करो। मक्का मदीना का वीजा कलमा शहादत है, लो वीजा, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, पढ़ लो कलमा, वेलकम टू मक्का, वेलकम टू मदीना, नो प्रॉब्लम। ये वीजा नहीं समझ में तो ज्यादा हुनकार न मारो और ज्यादा इस्लाम के ऊपर ताने न कसो, अपनी अपनी औकात में रहो, अपनी हदों में रहो। तुम्हें नहीं पता अल्लाह कौन, तुम्हें मालूम होगा तो तुम गोबर मूंद न खाते न पीते और ना बेजुबानों की पूजा और परस्पित करते, न उनकी शर्मगाहों को चाहते। तुम्हारी औकात और तुम्हारी हैसियत क्या, समझो। किराएगा चंद टके के गुलाम इस्लाम और मुसलमानों को आज दिखाया जा रहा। मुसलमानों की खामोशी ये बहुत बड़े तूफान का पेशाना है। हम झुक के मिल रहे हैं तो कमजोर मत समझ, हम झुक के मिल रहे हैं तो कमजोर मत समझ। फलदार शाखों को लचकती जरूर है, जिन शाखों में फल होते हैं, जिनके पास मान होती है, मर्यादा होती है, इज्जत नस्ब होती है, खुददारी होती है, हक होता है, सच्चाई होती है, सदाकत होती है, इज्जत होती है, इकराम होता है, एहतराम होता है, अमानत होती है, सदाकत होती है, दयालत होती है, मुसावात होती है, बराबरी होती है, वही लोग झुक के चलते हैं। محمد رسول الله والذين معه رحماء بينهم أشداء على الكفار رحماء بينهم محمد الله کے رسول ہیں صلى الله عليه اور جو ان کے کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں وہ آپس میں بڑے نرم ہیں آپس میں ریشم کی طرح نرم ہیں مومن مومن کے لیے اشد لیکن جو رب کے دشمن ہیں جو پیدا کرنے والے کے دشمن ہیں ان کے لیے بڑے سخت ہیں بڑے کرم ہوتے ہیں اقبال نے کہا تھا ہو حلقے یاراں تو بڑے شم کی طرح ہو حلقے یاراں تو بڑے شم کی طرح رب رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن رزم حق و باطل ہو تو जो लोग कलमा पढ़ रहे हैं अपनी मर्जी से अल्लाह बड़े निराले काम कर रहा है, वो कहता है ऐसा अंत प्रभु शिव वह ऐसा अंत प्रभु शिव वह हुआ शगुन लग सकता है, मुमकिन है। बहुत सारी चीजें जो तुम्हें बड़ी प्यारी लगती हैं या बहुत सारी चीजें जो तुम्हें बड़ी अच्छी लगती हैं,
मुमकिन है वो तुम्हारे हाथ में भूली हो। और बहुत सारी चीजें जिससे तुम पर नफरत होती है, कदूरत होती है, जो तुम्हें अच्छी नहीं लगती, अल्लाह फरमाता है वो तुम्हारे लिए बेहतर हूं। अल्लाह फरमाता है मैं जानता हूं तुम नहीं जानते, मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। इसलिए हर नापसंदीदा चीजों पर, हर खुशी की चीजों पर ज्यादा कुछ लोग कूद मत। तुम्हें नहीं पता कि इस खुशी के या इस खुशबू या हसीन गुलदस्ते के अंदर जहर है, कि तुम्हारे लिए इसके अंदर महर है, तुम्हारे लिए इसमें मुसीबत है या तुम्हारे लिए इसमें फरहत है। तुम्हें नहीं पता बड़े बड़े लोगों को बड़े बड़े गुलदस्तों से खत्म कर दिया। तुम्हें पता पाकिस्तान में अल्लामा एहसान अली जहीर रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह करवट करवट गलत नसीब बनाए, गुलदस्तों में बंद रखकर उस दौरे हाजिर के असर हाजिर के इमाम और मुस्तकीब को उड़ा दिया गया दुश्मनों ने। अल्लाह उन्हें हिलाक बर्बाद करवाया। अजीदाने गिरामी बड़े बड़े लोगों को गुलदस्ते मालाएं पहनाकर खत्म कर दिया गया। लोग खुश थे कि ये फूलों का हार या फूलों के गुलदस्ते हैं, लेकिन उसमें उनकी मौत का इंतजार है। तुम्हें नहीं पता, पता किसको है? अल्लाह वहदहुला शरीक को है। तो हो सकता है अल्लाह के कामों से वो उसकी फौज है। तुम्हारा गुलाम ताना हो, उल्ला हो, लंगड़ा हो, अंधा हो, तुम्हारी भूखा हो, पहरा हो, लेकिन तुम्हारा गुलाम है। जिस गुलाम से चाहो तुम अपना काम ले लो, है कि तुम्हारा फरमाबरदार है, तुम करो करेगा। ये सारी कायनात सफलता की गुलाम है। यह राम दीन, रहीम दीन, अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान, राम गोपाल, फलाने देवी, फलाने सिंह, फलाने नाम, फलाना गोभी, फलाना सरकी, फलाना सूजी, फलाना फलानी, ये सारे अल्लाह के बंदे हैं। सब क्या है बोलो? अल्लाह के बंदे कोई निकाल कर सकता है? अब लोग बात है कि कोई बंदा अल्लाह का एक लोगन ईमान लाता है, मारता है तो खुशबुओं में लपेट कर कफन पहना कर नमाज जनाजा पढ़कर उसको कब्र के गोद में प्यार से मोहब्बत से दफना दिया जाता है, उसकी दुआएं की जाती है। कोई बदनसीब बंदा अल्लाह का ऐसा भी है कि मरते ही तो मुंह पर रुख रख दिया, मरते ही लकड़ियों में मुंह से जला दिया जाता है, यहीं से उसका बड़ा आतिश और अजाब अजाब नार का सिलसिला शुरू हो जाता है। लोग अपनी आंखों से देखते हैं, आवाज ऐसा है तो अंजाम कितना खतरनाक होगा। ये अल्लाह की मर्जी अजीजा ने गिरानी, खुश नसीब हो आप कि आपको अल्लाह ने इस्लाम की नेमतें अदा फरमाई हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करो, वरना गाय मूत पीते रहते कहीं जाकर गोबर गोबर की बार में खाते रहते हो, देखो नहीं जो जवाब है न जाने कहां कहां मुंह मारते। शुक्र अदा करो कि तुम मुसलमान हो, लेकिन सही मुसलमान हो, और जकंदी मुसलमान ना बनो। हर दर पे दर गाय जहां जाए वही गिराई खाला की पूजा हो रही है, तोते का मजार, उधरे का उधारे का मुर्गा, अंधेरे की मुर्गी, फलाना चाट रहा है, चौखट चूम रहा, मुर्गा पूज रहा है, नाम दिया हुआ कुछ लगता तो अपने नाम पे एक एक मीटर के अलकाब लगा करके हजरेली संजरी पंजरी न जाने कहां कहां मुंह आपका फिरता है। उस रब का दरवाजा छोड़ दो, अगर तुम सच्चे हो तो बताओ इन्होंने क्या पैदा किया है। बना एक रोंगटा भी नहीं बना सकते तुम्हारे महबूब, ये एक रोंगटा भी, ये तो खुद पैदा हुए हैं, ये क्या बना सकते, ये खुद पैदा कर सकते हैं? इतनी अकल आपको नहीं आती अपने अल्लाह के बारे में? आपको मैं इतना जोर दे रहा हूं, इतना आपको वादे तौर पर खोल खोल के बता रहा हूं, समझ नहीं आता आपके? उल्टा गाली देते चले वहाबी है वो अल्लाह जो है ना, वल्लाह तुम्हें चाहे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें फूलों से भी मार, भाई मारने की सजा है, तुम्हें फूलों से मरवा के सजा दिलवा दे, इसकी मर्जी है। ये वहाबी जो है ये अल्लाह का नाम है वहाब, तुम्हें गालियां भी ये शैतान देते हैं तो अल्लाह की तरफ मंसूब करके देते हैं, ये भी तुम्हारे हमारे किस्मत की बात है। वरना ममलकत सऊदी अरबिया ने जिन्होंने इस दावत तौहीद को सच्ची तजदीद की, वो शेख उल इस्लाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नदवी रहमतुल्लाह अलैह,
उनकी जानते तौहीद की ये बरकत है। इस सऊदी अरब जैसा गुलदस्ता फूल महकता हुआ रब्बे काबा ने मुसलमानों को इस कायनात में अदा कर, जहां अमन ही अमन है, राहत ही राहत है, अल्लाह इसे कयामत सलामत रखे और इसके उमरा और इसके उलाते हुर और हुक्मरान बादशाह सबको अल्लाह खैर और भलाई की तरफ अल्लाह ताला इनके क्षेत्रों को फेरे रखे और इनसे दीन और इस्लाम की खिदमत ज्यादा से ज्यादा ले। बोलो आमीन। तो अजी जाने गया कि इस्लाम है, इस्लाम इसके बहते हुए धारों को बांधा जा सकता नहीं। बड़े बड़े पादरे वाले हैं, उनके हुक्मरानी से उनका कलमा पढ़ा जाता है। आज जो बैठे हुए कुर्सियों पर हैं कल नहीं होंगे। किराएदार ने जाति मकान थोड़ी है, बस इनकी क्या हैसियत, इनकी क्या मकसद, ये इनकी क्या है, ये तो दो चार फूकों से खत्म हो जाएंगे। दो चार इधर वोट हो गए, दो चार उधर वोट हो गए, गली गली में जूतियां दिखा के फिरेंगे। दयारे इश्क में वाले राजा अपना मकाम पैदा कर, दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नई सुबह शाम पैदा कर, उधर नशीशा घराने फरंग के काम, सिपारे हिंद से मीना उगाम पैदा कर। तेरा तरीक अमीरी नहीं गरीबी है, तेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। जो कौम खुददार होती है अल्लाह भी उसका साथ देता है, जो बेगैरत होती है वो मिटा देता है। समझ में भाई बात आई। और सबसे बड़ा बागैरत मुसलमान वो है जो कल में शहादत की आबरू और उसके झंडे को लेकर कायनात के अंदर ललकारता है, देखता है कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत जायज नहीं है और रसूलुल्लाह के सिवा किसी की इताअत भी जायज। जुबान से मेरी जुबान लाइड है, जला लाइड है, जला एक नहीं लाख नहीं हजार का बता, कोई फायदा नहीं। तब तक तुम्हारा दिल मुसलमान है, तुम्हारे दिल के अंदर कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह की अज़मत ना हो। ये कलमे शहादत ही अज़मत थी। अल्हम्दुलिल्लाह तौहीद और सुन्नत का भरा हुआ ये अजीम मुल्क अल्लाह ने अता फरमाया, कायनात में ऐसा मुल्क कहीं नहीं, पूरी रूए जमीन पर नहीं। अल्लाह ने पूरी कायनात के दिलों को इस मुमल्लकत से जोड़ दिया। वजह सिर्फ जुबान से नहीं, अमलन भी। कोई दरगाह, कोई मजार, कोई सद्दा, कोई अलम, कोई जमुका, कोई मजार किसी भी आप है कहीं कुछ आए कहीं सऊदी अरब के पूरे गोश्त में बोलो। अल्लाह को तो इन्हें मिटा देना चाहिए क्योंकि अल्लाह के दुश्मन है, ये अल्लाह के वलियों के दुश्मन है, ये मुसलमान है जिनको नहीं मानते, ये रसूलुल्लाह को नहीं मानते, ये बड़ा को नहीं मानते, ये उनको नहीं मानते, जो घोड़े को नहीं मानते, ये चौथे शाह को नहीं मानते, ये उदाले शाह को नहीं मानते, ये बलाने शाह को नहीं मानते, ये छोटे शाह को नहीं मानते, इनको तो अल्लाह को मिटा देना चाहिए। लेकिन हम तो यही देखते हैं जो इन सबको मानते हैं वो जिल्लत और रुसवाइयों के जूते और चप्पल खा रहे हैं, जो इनको नहीं मानते सिर्फ एक अल्लाह को मानते हैं, रब ने उन्हें दुनिया का पेटवा और गैबर बना रखा है। हमने तो ये देखा है और ये देख रहे हैं, तुम चिल्लाते रहो कुछ भी कहते रहो, वहाबी कहो कुछ भी कहो, हम तो तुम्हें लहाबी भी नहीं कहेंगे न रिकाबी कहेंगे, जहां से तुम वही रिकाबी ले लेके खड़े हैं, नियाज के नाम पर हर तुम्हें रात को रिकाबियां ले लेके पहुंच जाते दरवाजों पर मुल्कों की जीत करते, शर्म नहीं आती है अल्लाह की हिदायत ना पता। तो अल्लाह की रहमतों और बरकतों को समझो, क्या आपके ऊपर अल्लाह की रहमत और बरकत है कि अल्लाह ने आपको इस्लाम जैसी नियामत से नवाजा है। दरगाह और मजार के खिलाफ दुनिया में कोई नहीं बोलता, कोई आवाज नहीं उठती, उठती है तौहीद के खिलाफ। इस्लाम इस्लाम आंखों में चुभता है, मुसलमान चुभता है। अल्लाह की क्या लीला है, उसने सोचा कि भारत के अंदर बहुत सारे बेचारे मुसलमान कलमा पढ़ने वाले धीरे धीरे छुपाते पकड़े न जाए, मुसीबत न आए, बेचारे बड़े अमन से अपने खानदान अपने कबीलों में अपने इलाकों में जिंदगी गुजार रहे थे। अल्लाह की मर्जी हुई कि इनको ये बहुत डरपोक होते जा रहे, इनको जरा हिम्मत को इनको जरा ऊपर करो, एक दो को गिरफ्तार करवा दिया जाता है, थोड़ा उन्हें छुप छुप
दो को गिरफ्तार करवा दिया, पूरे भारत के अंदर उबान, पता है इस्लाम के खिलाफ और इस्लाम के सपोर्टर, इस्लाम के खिलाफ बोलने वाले तो चंद कुर्सियों के गद्दियों के गुलाम है बस, लेकिन इस्लाम की अजमत, इस्लाम की खूबियां, इस्लाम की मुसावा, इस्लाम की रहमत, अल्लाह की बरकत को बयान करने वाले 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ करोड़ा करोड़ है जो कलमा अल्लाह का नहीं पढ़ते, रसूल का नहीं पढ़ते, लेकिन हक बोलते हैं और मुंह के सामने खड़े होकर कहते हैं कि ये तो जुल्म है, ये हक पार्लियामेंटो में कानून बनाए जाएंगे किसके खिलाफ, कि कोई मुसलमान न बने, बुद्धिस्ट बन जाए कोई हर्ज नहीं, क्रिश्चियन बन जाए कोई हर्ज नहीं, जैन बन जाए, दूसरा धर्म कबूल कर ले, लेकिन इस्लाम, अल्लाह ने चाहा कि इन कमजोर वर्गों को जो बेचारे छुप छुपा के, इनको जरा ओपन करो, इनको जरा हिम्मत दिला, लोगों को पकड़वाया, बुरे बुरे लोग निकले भैया, और डॉक्टरेट की डिग्रियां लेने वाले कलमा पढ़ चुके हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटीज में लड़कियां कलमा पढ़ चुकी हैं, वो सोरियां सोरियां निकल निकल के आ रही हैं, और यूट्यूब के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर बयान से बयान दे रही है कि हमने किसी की जोर अरसर मस्ती में कलमा नहीं पढ़ा, बल्कि हमने तो इस्लाम को पढ़ा है, हमने तो अल्लाह के लिए मुसलमान बनाया है, हमें तो अल्लाह की समझ आ गई, हमें तो एक अल्लाह की बात याद आ गई, हमें तो एक अल्लाह की बात पसंद आ गई, कुरान पसंद आया, मोहम्मद का फरमान पसंद आया, बुखारी पसंद आई, मुस्लिम पसंद आया, हमने तो ये पढ़ पढ़ करके इस्लाम को भूल किया, हम क्या जाने फलाना कौन हराना कौन, हम क्या जाने जिसको तुमने गिरफ्तार किया है वो कौन है क्या नहीं है, बिलबिला रहे हैं, क्या हो गया बिलबिला गए नहीं, बिलबिला रहे हैं, कुर्सी भी खतरे, ये अंदाज कौन है बोलो, तो तुम किसी चीज को नापसंद करते हो, तुम जरूरी नहीं कि वो चीज नापसंद ही हो तुम्हारे लिए बुरी ही हो, अल्लाह फरमाता है असा हम तक रहू शैकिन वहुआ खैरुन लकुम, जिसे तुम बुरा समझते हो मुमकिन है वो तुम्हारे लिए है, तुम नहीं जानते अल्लाह ही जानता है, ऐ अल्लाह तू सबसे बड़ा आलिम है, बहुत कहा जाए ऐ अल्लाह सारे मुसलमानों की हिफाजत करो, और सारे दुनिया के लोगों को जो तेरे दुश्मन हैं इस्लाम पे बंद मार रहे हैं, अल्लाह उन्हें भी तू इस्लाम की दौलत से माला माल कर रहा हूँ, कल मैंने फेसबुक के ऊपर एक मजमून लिख करके मैंने भारत के वजीरों मिनिस्टरों सदरों सबको इस्लाम को किया, मैंने कहा सारे सारे मुसलमान हो जाओ, अमन में रहोगे, सलामती में रहोगे, दुनिया में भी और आखिरत में, अल्लाह ने फेसबुक के ऊपर मैंने लिखा इस्लाम पे क्या है, हमें वो चीज अच्छी लगती है, गुल गुलगुला हम खा रहे हैं, लड्डू पेड़े हम खा रहे हैं, तो तुम्हें भी हम खिलाए ना, तुम्हें क्यों महरूम करें, और अगर तुम्हारा दीन तुम्हारा मजहब इतना ही सच्चा और पक्का है तो लोग क्यों छोड़ छोड़ के आ रहे हैं, ये भी समझ में नहीं आ रहा, आज तक तो किसी मुसलमान को नहीं देखा गया कि वो इस्लाम छोड़ करके है मुस्लिम बन गया, अल्लाह का शुक्र है उसका साथ, और तुम एक मुल्क के अंदर बंद बांध हो गए, ये खरीद और ज्ञान तुम दुनिया को कहोगे कि इस्लाम कटुआ है, इस्लाम काटता है, इस्लाम मारता है, इस्लाम गैरों को उसके ऊपर जुल्म करता है, इस्लाम अपने अलावा किसी को पसंद नहीं करता, इस्लाम अपने अलावा किसी से मोहब्बत करने का दर्श नहीं देता, इस्लाम इस्लाम पागल है दुनिया, आज दुनिया एक नीरज की तरह हो गई है, सिर्फ सऊदी अरब और खलीजी ममालिक का सिर्फ मुशाहिदा कर ले और देख ले तो उसकी समझ में आ जाएगा कि करोड़ों लाख लाख गैर मुस्लिम हिंदू हो मुस्लिम हो क्रिश्चियन हो ईसाई यही पर सब सऊदी अरब में रहते हैं, मैं चैलेंज करता हूं मेरे रसूल से जाओ किसी भी गैर मुस्लिम से पूछो भेजो अपने एजेंटों को अपने अपने मुल्कों से, इस बिना पर किसी को किसी सऊदी ने किसी अमाराती ने किसी मुकीम ने किसी अजनबी ने किसी हिंदी किसी पाकिस्तानी किसी बांग्लादेशी किसी भी यूरोपीय अमरीकी बरतानवी मुस्लिम ने जो इन अमारात में खलीज में रहते हैं कब करे किसी ने भी किसी गैर मुस्लिम को इसलिए छप्पड़ मारा हो, कत्ल करना तो बड़ी रूप की बात है, छप्पड़ मारा हो कि तू गैर मुस्लिम है जाओ, एक मिसाल पेश कर, कयामत आ सकती है एक मिसाल पेश की जा सकती है, हम लगते हैं सऊदी अरब के अंदर रहते हैं, हम कंपनियों में जाते हैं फैक्ट्रियों में जाते हैं बड़े बड़े गैर मुस्लिम के साथ बैठक होती है, खुश है बेचारे अपने मुल्क को सौ मुंह भर भर के गालियां देते हैं कि वहां तो अमन ही नहीं, वहां तो चोर है, वहां तो डाकू है, वहां तो ब्लैक मनी के नाम पर लोग
खुद ही व्हाइट मनी लूट रहे हैं, ब्लैक मनी का खुद खपत कर रहे हैं, मजहब के नाम पर लोगों को काट रहे हैं, मार रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, हैवान है जानवर ना खलीजी ममालिक के गैर मुस्लिम जानवर। लेकिन शर्म तुमको मगर नहीं आती, तुम्हारा सूरज पे जो थूकते हैं वो थूक सूरज पे तो नहीं पहुंचती, अलबत्ता पलक पे कहां आती है, थूकने वाले के मुंह पे आती है। लेकिन बेगैरती की भी कोई इंतहा है, जब आदमी हैवान और जानवर से भी बदतर जाके सजा करना। तो अजी जाने गिरामी, इस्लाम के निजाम और सिस्टम सारी कायनात में हर जगह हर वक्त हर लम्हे हर मुल्क हर जगह के लिए, क्यों इस्लाम हमारा तुम्हारा बनाया हुआ निजाम और सिस्टम नहीं है। कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, जमहूरियत, कमहूरियत, ये जो डेमोक्रेसी तरासी, ये सब तुमने बनाया, इंसानों ने बनाया अपने दिमाग से। और तुम्हारा जो दिमाग है इतना बड़ा होता तो अपने मालिक को तो पहचान लेते, गोबर मुंह को ना खा लेते हैं, खिंजीर और सूअर को ना खाते, बड़े दिमाग वाले होते। तो तुम्हारा जैसा दिमाग में था तुम्हारा सिस्टम, लेकिन उस खालिक मालिक ने इस्लाम दिया है। दीन धर्म तो अल्लाह के नजदीक क्या है, इस्लाम। और इस्लाम ने पूरी दुनिया में, यही सऊदी अरब को देख लो यहूदी, यही सऊदी अरब को देख लो मुस्लिम, गैर मुस्लिम सब एक साथ रहते हैं, हिंदुस्तानी पाकिस्तानी एक साथ रहते हैं, बंगाली श्रीलंकी पाकिस्तानी हिंदुस्तानी जर्मनी अमरीकी सब इसी सऊदी अरब में रखते हैं। कभी कोई मुल्क के नाम पर, धर्म के नाम पर, रंग के नाम पर, जुबान के नाम पर कभी कोई राइट, कभी कोई फसाद हुआ है? बोलो बोलो, अरे जोर से बोलो, क्यों नहीं हुआ? क्यों? यहां रब का कानून चलता है, यहां किसका कानून चलता है? जो ममलकत सऊदी अरबिया के हदूद में दाखिल हो जाता है, यहां की हुकूमत उसकी जान, उसके माल, उसके सब चीज की हिफाजत की जिम्मेदारी है। और तुम वजीर आजम होकर सदरे ममलकत होकर सिर्फ गाय गोबर के जिम्मेदारी है, हैवानात जानवरों की जिम्मेदारी है, तो फिर ठीक है, यही हो रहा है, जैसा हो रहा है मॉब लिंचिंग के नाम पर, हिंदू मुस्लिम खत्म, राइट कतल, खून, बच्चे ना पैदा करो ज्यादा हो रहे हैं, वो बे औलादे बे शादी शुदा कह रहे हैं जब तक बच्चे पैदा करो मंजूर है, कह रहे जब तक बच्चे, जब तक बच्चे पैदा हो। और यहाँ कानून बना रहा है कि बच्चे दो ही हैं, कंट्रोल करो, सिर्फ मुसलमानों का कब्जा हो जाए, मुसलमान अक्सरियत पर कभी भी भरोसा और एतमाद नहीं करता। तुम कान खोल के सुन लो, क्योंकि मुसलमान का कुरान कहता है कम मिन जैतिन खलीलतिन गलबत जैतन कसीरा, बड़ी बड़ी छोटी छोटी जमातें, बड़ी बड़ी जमातों पर अल्लाह ने उन्हें गालिब किया है। याद रखो किल्लत और कसरत इस्लाम का हक और बातिल का मियाद इस्लाम नहीं समझता। इस्लाम की तारीख में पहली लड़ाई गज़वे बदर की हुई थी, 313 थे 1000 के मुकाबले में, कलेजा उनका मुंह को आ गया था, कितने पानी घुस गए। अल्लाह ने फतह और नुसरत से मुसलमान हथियार पर भरोसा नहीं करता, मुसलमान अदब के ऊपर फौजों पर भरोसा नहीं करता, मोमिन है तो शमशीर पे, मोमिन है काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा। ये काफिर भी बैठा है, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेचे भी लड़ता है सिपाही। वो कहता है इतने महसन में गजरे बदल में कहा मारते मारते तलवार टूट गई, नबी रहमत ने खजूर की नखला की एक गाली खींची और कहा जान से उनका काम करो। कहते हैं जैसे ही मैं मैदान बदल में वो खजूर की गंदी लेकर शाख लेकर मैंने उसको चलाया, तेज तलवार चमकती हुई तलवार की शक्ल उसने हत्या कर, तो मोमिन को तंकर भी भेज रहे फेंक रहे तो वो बम से भी ज्यादा भारी होता है और तुम्हारे बड़े बड़े बम खुश हो जाते। तो इस्लाम को किल्लत और कसरत से मत नापो, तुम एक नहीं हजार कानून बना लो, बच्चे पैदा ना हो ना हो ना हो ना, अमा जिसे आना है वो आएगा। तुम जैसे हैवान आ गए, जालिम आ गए, नजीस पर ना पाक आ गए, जालिम आ गए, तुम कैसे आ गए? तो क्या अल्लाह के नेक बंदों के आने में कोई रुकावट हो सकती? बोलो, एक ही मुल्क है वो मुसलमान नहीं रहते, पूरी दुनिया मुसलमान नहीं है, पागल है यार, अजीब अल्लाह हिदायत ना फरमाए तो है।
अल्लाह ताला की दुआ कि अल्लाह ने तुम्हें हमें मुसलमान बनाया, अल्लाह सारी दुनिया को मुसलमान बनाया, सारी दुनिया को बोलो अल्लाह सारी दुनिया को मुसलमान बना दे, सबको इस्लाम की समझ अता फरमाए, कुरान की समझ अता फरमाए, पैगंबर इस्लाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की समझ अता फरमाए, अल्लाह अपनी रहमत के साए में सबको जो है अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। ए अल्लाह हम पे बारिश बना दी फरमा, اللهم استنا اللهم استنا اللهم استنا اے اللہ ہمیں بارش نازل فرما، ہمارے کو بارش نازل فرما، اللہ ہمیں ہمت عطا فرما، اے اللہ اس گرمی سے، اس گرمی کو دیکھ کر جہنم کی گرمی کا یقین ہوتا ہے، اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرما، اللہ ہمارے آل اولاد کو جہنم سے نصیب فرما، محفوظ فرما، ہمارے بال بچوں کو، بیوی بچوں کو جہنم سے محفوظ فرما، ہمارے ماں باپ کو، ہماری بچوں کو، سب کو جہنم سے آزاد فرما، اللہ ہمیں جو بیمار ہیں شفا دے فرما، ہمیں جو پریشان ہیں ان کو شفا دے فرما، اللہ پوری دنیا میں اسلام میں، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللہ اسلام و مسلمانوں کو عزت عطا فرما، واذل الشرك والمشركين، اللہ شرک و مشرکوں کو ہلاک و برباد فرما، اللہ اسلام و مسلمانوں کو عزت عطا فرما، اللہ مملکت سعودی عربیہ کو عزت عطا فرما، اللہ یہاں کے اللہ کے امور حکمران اور سب کو، اللہ جس میں مومن اور مسلمان اور اسلام کی خیر و بھلائی ہو، اللہ وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ان کی پیشانیوں کو حق و صداقت کی طرف موڑ دے مولا، اے اللہ ملک کو دن بری رات چوری ترقی عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو امن و شانتی عطا فرما، ہمارے ملکوں میں جہاں کہیں بھی مسلمان رہ کے بستے ہیں اللہ ان میں سب امن و سلامتی عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما، استقامت عطا فرما، ہمارے وہ بھائی جو دنیا کے کسی بھی گوشے ہیں اسلام کو ہماری بہنوں نے قبول کیا ہے، اے اللہ انہیں اسلام کی راہوں میں گج جانے کی استقامت کی توفیق عطا فرما، انہیں اظہار حق کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین، بارک اللہ لنا و لکم و بارک لنا و لکم، ویا اپنے آیات میں ذکر حسین و مبارک اللہ علیہ وسلم، الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان والبر والقربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأعظم وأنفق والله يعلم ما تفعلون.